हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैन सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डन स्वयं करो, दैट इज लेट्स डू योरसेल्फ ऑफ चैप्टर 13, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 13.1। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट 13.1, लेट्स वर्क आउट। ओके, तो गाइस, आप लोगों के मैथ्स को भूत को मैं भगाना चाहती हूँ। ये अलजेब्रा बहुत ही इजी होता है, सो चलो मेरे साथ आप लोग लग जाओ। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना ताकि मेरे वीडियोस के नए नए अपडेट्स आप लोग को हमेशा मिलते रहे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 13.1, दैट इज लेट्स वर्क आउट में दिया हुआ है कि नीचे के बीज गणितीय संख्या राशियों को x square plus ब्रैकेट में दिया है p+q इंटू एक्स प्लस pq इक्वल टू x+p इंटू x+q के अवेदों के साथ तुलना करके p और q का मान लिखना है और उत्पादक निकालना है, यानी फैक्टर निकालना है इन सब का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखो, एक आप लोगों के लिए दे दिया है यहाँ पे बना के, दैट इज x² - 8x + 15। यहाँ पे बना के दे दिया है p = -5 एंड q = -3। ओके, एंड इसका उत्पादक विश्लेषण, दैट इज x - 5 × x - 3, ये फैक्टर करके निकाला है। अब हमें ये सब बनाना है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। हम लोग सेकंड से स्टार्ट करते हैं, x² - 40x - 129। ओके, चलो लिखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 है, दैट इज x² - 40x - 129। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 129 है, यानी कि जो ये पिछले वाला भाग है, इसका हमेशा क्या होता है, हमें निकालना पड़ता है इसका एलसीएम। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, बस एलसीएम निकाल के हमें क्या करना होता है कि ये जो 40 है, ये प्लस माइनस करके किसी भी हालत में हमें 40 यहाँ पे लाना है। तो पहले हम 129 का एलसीएम निकालते हैं रफ में, ठीक है, लेकिन हाँ सामने निकालना ताकि टीचर देखे कि आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो देखो आप लोग, 129 ये 3 से यहाँ पे जाएगा, कट जाएगा, सो 3 × 4 = 12 एंड 3 × 3 = 9। ओके, अब आप लोग देखो यहाँ पे 43 एंड 3 आया। अब ये 43 तो कटेगा नहीं किसी से, इसलिए जाएगा नहीं। तो आप लोग यहाँ देखो, 43 - 3, दैट इज 40 हो रहा है ना, तो हमारा 40 आ गया ना, और 43 × 3 हमारा 129 आ जाएगा। सो गाइज, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 40 की जगह पे हम लोग 43 - 3 पुट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू x² - 43 - 3 × x। इसके जगह पे हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है, एंड -129। अब देखो यहाँ x² - अब x से इनका मल्टीप्लाई होगा, और हाँ साइन अंदर जा रहा है, माइनस अंदर जा रहा है, सो ध्यान देना, जब भी माइनस अंदर जाता है, अंदर का साइन टोटल चेंज कर देता है। सो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो मैंने यहाँ माइनस लिखा है, एंड 43 × x, दैट इज 43x -± + दैट इज 3x। ओके, -129। ठीक है, अब आप लोग देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा कॉमन बस एक ही चीज दिख रहा है, x कॉमन है, तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। एक x बचा यहाँ पे, और इधर से क्या बचा, 43 बचा, -43। यहाँ पे देखो, बस हमें, यदि आप लोग को यहाँ पे डर लगता है ना कि यहाँ ये क्या है, यहाँ कैसे हम निकालेंगे, तो आप लोग बस इसको पुट कर देना, सेकंड ये फर्स्ट वाले को बस यहाँ पे पुट कर देना, और उसके बाद देखना कि हमें अब क्या निकालना होगा यहाँ पे कि हमारा ये वाला आ जाए। तो क्या हम करेंगे, यहाँ तो x एक ही है, तो ये वाला x है, अब 43 यहाँ आया, लेकिन यहाँ तो 129 है। आप लोग देखो कि ये 3 भी है, और 3 से ये 129 जरूर जाएगा इन द 43 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे हम प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा x -43 हो गया।
ठीक है। अब हम लोग इन दोनों में से एक लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस 43 एंड x प्लस 3, ये वाला x प्लस 3 दैट इज द आवर फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो p प्लस क्यू के टर्म में हमें लाना है, ये p प्लस क्यू के टर्म में लाना है। आप लोग देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे करना होगा, ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाना होगा। तो इसको यहाँ पे करने के लिए मैं यहाँ आप लोग को बता रही हूँ, देखो आप लोग यहाँ जब करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ देखो आप लोग प्लस दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस को इंटर कर देंगे अंदर, तो 43 हो गया, माइनस 43 हो गया, और ये प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस 3। ओके, हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, हमारा उसी तरह से इसको टर्म में हमें लाना है। ओके, अब यहाँ पी क्यू को हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखो आप लोग माइनस 129 है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में माइनस को इंटर कर देंगे और 129 लिख देंगे, तो ये हमारा पी क्यू के टर्म में आ गया ना, यहाँ पे इंटू एक्स लिख रहे हैं, यहाँ एक्स है ना वो वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 43 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस 129, ठीक है, ये हो गया। अब P और Q का मान यहाँ पे क्या है ये हम देखेंगे, और उत्पादक विश्लेषण, यानी उत्पादक विश्लेषण हमारा ये आया है x माइनस 43 एंड x प्लस 3, ये उत्पादक विश्लेषण आया है, और ये हमारा P और Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो हमारा P का वैल्यू यहाँ पे, P का वैल्यू कितना है तो माइनस 43 है, ओके, और Q का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 3 है, ओके, माइनस 43 और Q का वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे P इक्वल टू माइनस 43 लिखेंगे एंड Q इक्वल टू 3, ओके। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, बस हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे प्लस पी क्यू है तो उसी के टर्म में हमें यहाँ पे ले जाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड का, ये जो P और Q का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और जो उत्पादक विश्लेषण यानी यहाँ फैक्टर बोला है, तो x माइनस 43 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3, तो हम यहाँ जो ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पहले ये लिखेंगे x माइनस 43 एंड x प्लस 3, x प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ P इक्वल टू हमारा कितना आया है माइनस 43, ओके, माइनस 43 एंड Q इक्वल टू कितना आया है प्लस 3, दैट इज 3 ओनली, ओके, तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 पे, देखो यहाँ नंबर नहीं दिया है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 12, यहाँ आप लोग देखो क्या दे रहा है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ क्या करें कि हमारा इस टर्म में आ जाए, तो यहाँ हम पहले तो ये क्वेश्चन लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 12, ओके, यहाँ देखो आप लोग, तो ये जो a प्लस बी है यहाँ भी a प्लस बी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर a प्लस बी को हम लिख लेंगे कि लेट a प्लस बी इक्वल टू x, यदि हम a प्लस बी को x मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ठीक है, इस टर्म में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इस 12 का, पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 2 6 12 एंड 2 3 6, यहाँ कितना आया हमारा 2 इंटू 3। अब हमें क्या करेंगे कि यहाँ हमारा 4 आ जाए, तो आप लोग देखो यदि 2 2 4, 4 प्लस 3 नहीं हो रहा है 7 हो जा रहा है, या फिर 4 माइनस 3 करेंगे तो भी हमारा 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे यदि हम 6 3 2 6 लेते हैं तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 आ जा रहा है, यानी कि 4 हमारा ये कंप्लीट हो गया, और 6 2 12 भी होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 एंड 2 लेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू एक्स दैट इज सिक्स एक्स माइनस माइनस प्लस सो प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व। ओके, फिर उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ x कॉमन हो गया तो x माइनस सिक्स प्लस टू कॉमन हुआ तो x माइनस सिक्स, ठीक है, तो x माइनस सिक्स एंड x प्लस टू आंसर हो गया है हमारा। लेकिन यहाँ फिर वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स के टर्म में हमें लाना है, यानी ये जो है यहाँ वाला हमें इसको अलग चेंज करके हम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको रफली यहाँ लेकिन टीचर को दिखाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ से माइनस अंदर कर देंगे क्योंकि हमें इसी टर्म में हमें लाना है, ठीक है। सो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टू हो गया। ओके, एंड इंटू एक्स प्लस माइनस ट्वेल्व, ठीक है, इस तरह से हमें लिखना होगा क्योंकि सारा हमें प्लस में लिखना है, यानी ये p प्लस क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स एंड प्लस पी क्यू। ओके, इस टर्म में हमें लाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ हमारा p क्या आ गया, p इक्वल टू हमारा सिक्स है एंड q इक्वल टू क्या आया, प्लस टू। ओके, तो यहाँ से p और q का वैल्यू निकल गया और ये उत्पादक विश्लेषण दैट इज फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू दैट इज द आंसर। तो ये हमारा उत्पादक विश्लेषण आ गया और ये हमारा आ गया p और q का वैल्यू। तो हम यहाँ पे वही सेम उसी तरह से हम लिख देंगे, p इक्वल टू माइनस सिक्स एंड q इक्वल टू टू। ओके, और x माइनस सिक्स उत्पादक विश्लेषण में क्या आएगा, x माइनस सिक्स एंड x प्लस टू। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीका से मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से हमें ये भी क्वेश्चन बनाना होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू। इसे इसमें बताइए क्या करना है, हमें यहाँ पे x माइनस टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू। यहाँ हमें क्या करना है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस वाई माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई यहाँ भी है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x माइनस वाई को हमें एक कुछ भी यहाँ पे p सपोज हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू p। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस टू, इस टर्म में हमारा फैक्टर आ गया। अब हम फैक्टर निकालेंगे, टू का फैक्टर क्या, यहाँ टू का पहले एलसीएम निकालेंगे, टू का एलसीएम क्या होता है, टू से टू एक ही बार में जाएगा, लेकिन यहाँ हमें वन लाना है, दैट इज टू माइनस वन, टू इंटू वन दैट इज टू एंड टू माइनस वन दैट इज वन। तो यहाँ पे टू माइनस वन हमें लिखना होगा, सो पी स्क्वायर माइनस टू माइनस वन इंटू पी माइनस टू दैट इज पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस टू सॉरी पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस पी माइनस टू, पी यहां से फिर कॉमन तो पी माइनस टू एंड यहां से प्लस वन कॉमन लेंगे तो पी माइनस टू हमारा फिर से वही आ गया। और p इक्वल टू यहाँ p इक्वल टू प्लस वन, पी प्लस वन एंड p माइनस टू, ये हमारा आंसर हुआ। अब p का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है x माइनस वन x माइनस वाई, हम p का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन निकल जाएगा, ये उत्पादक विश्लेषण निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम इसके तरह ही करना है, यानी कि p यहाँ प्लस कर देना है और ये जो माइनस टू है ना इसको अंदर लेकर चले जाना है, यानी यहाँ p स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन इंटू पी माइनस टू। तो यहाँ पे p का वैल्यू हमारा कितना आया, p का वैल्यू आया माइनस टू एंड q का वैल्यू आया वन। ओके, इस तरह से हमें ये निकालना है। देखो मैंने ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया तो ये वन हमारा ये कम्प्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में उत्पादक विश्लेषण करें, यानी यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकालना है, फैक्टर निकालना है,
यहाँ पे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सब एक ही टाइप का है, सब तो एक ही टाइप का है, लेकिन ये सब जो है एक एक यदि बन जाएगा तो आप लोग का सब इसमें से बना लोगे आप लोग। इसमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है और माइनस यदि 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर हमारा a प्लस बी हो जाता है, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 इंटू a प्लस बी प्लस 6। ठीक है, इस तरह से हमारा टर्म a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी को सेम उसी तरह से जैसे मैंने इसमें बताया था x p y m जो भी मानना है मान लेना और उसके बाद यहाँ y का वैल्यू लास्ट में पुट कर देना है और यहाँ पे जैसे p का और q का वैल्यू पुट करना था ऐसे नहीं बनाना है, बस हमें फैक्टर निकाल देना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ जिससे आप लोग को 1, 2, 3, 4 ये सब आप लोग बना लोगे। ओके, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। पी स्क्वायर माइनस 3Q² द होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू पी माइनस 3Q होल स्क्वायर प्लस 63। ये हमारा क्वेश्चन है। यदि देखो आप लोग तो ये सेम है तो इसको हम x मान लेते हैं, सो लिखेंगे लेट P² माइनस 3Q² इक्वल टू x। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, यहाँ X² माइनस 16X प्लस 63 हो जा रहा है। ओके, तो अब ये प्लस 63 सेम उसी तरह से टर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन का सिंपल टर्म। तो अब इसको हमें क्या करना है, तो 63 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 63 का यहाँ पे 3 से यदि डायरेक्ट ले जाएंगे, 3 से 3 2 6 3 1 3। ओके, तो अब फिर किससे ले जाएंगे, 7 से या फिर 3 से इनडायरेक्ट ले जाते 3 से, तो 7 हो जा रहा है, हमें किसी भी हालत में यहाँ 16 लेकर। तो आप लोग देखो यहाँ 3 3 9 एंड प्लस 7 दैट इज 16 हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, X² माइनस 16 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 9 प्लस 7 प्लस 63। ओके, और सॉरी यहाँ x लिखना है। ठीक है, अब X² माइनस इंटर कर रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 63। ओके, फिर यहाँ x कॉमन सो x माइनस 9 एंड माइनस 7 यहाँ पे कॉमन तो x माइनस 9। सेम यहाँ पे टर्म होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, 9 7 जा 63 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस ये हमारा उतना आ गया और माइनस 7x। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 9 एंड x माइनस 7। यहाँ हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ x हम माने हैं p² माइनस 3Q² को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट, क्या हम पाते हैं यहाँ पे, तो हमें लिखना है x का वैल्यू, हमें पुट करना है x का वैल्यू क्या है, p² माइनस 3Q² माइनस 9। ओके, एंड p² माइनस 3Q² माइनस 7, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, यदि ऐसे में क्वेश्चन में यदि यहाँ पे कुछ अलग दे देता और p² फिर वो a² माइनस b² फॉर्मूला पे हो सकता था, यदि यहाँ पे 4 दे देता तो हमारा उस फॉर्मूला पे भी जाना पड़ता, लेकिन यहाँ 3 है इसलिए 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 तक आप लोग बना लोगे आसानी से। ओके, 6 तक भी बना लोगे तो बहुत ही इजी है, इस तरह से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग 6 तक बना लोगे क्वेश्चन नंबर 2 का 13 एक्सरसाइज 13.1 लेट्स वर्कआउट बनाकर देखें। ओके, तो इस ये इतना वीडियो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो अच्छा से देखना, फुल देखना, आप लोग को समझ में आएगा, और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।